आईपीएल 2022 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली मैदान पर अंपायर से भिड़ गए। दरअसल गुजरात की पारी के 9वें ओवर में शाहबाज अहमद बॉलिंग कर रहे थे और चौथी गेंद पर शुभमन गिल स्ट्राइक पर थे। गेंद गिल के पास से निकली और विकेट कीपर अनुज रावत के दस्तानों में चली गई। शुभमन के खिलाफ आरसीबी ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी उन्हें आउट करार दे दिया। गिल ने तुरंत रिव्यू ले लिया और रिव्यू में नजर आया कि गेंद बल्ले से लगे बिना अनुज के ग्लव्स में गई थी। अंपायर गिल को नॉट आउट देने वाले थे, लेकिन तब तक थर्ड अंपायर ने विकेट कीपर के ग्लव्स पर निगाह डाली तो वो स्टंप से आगे आ रहे थे। ऐसे में नियमों के मुताबिक इस बॉल को नो बॉल घोषित कर दिया गया। नियम के अनुसार विकेट कीपर के ग्लव्स स्टंप की लाइन के आगे नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नो बॉल दी जाती है। थर्ड अंपायर की नो बॉल दिए जाने के बाद पूरी बेंगलुरु की टीम हैरान रह गई। विराट भी तुरंत ग्राउंड अंपायर के पास गए और इस बारे में बात करने लगे। कोहली काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और उन्होंने अंपायर से सवाल भी किया। अंपायर ने उनके सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन विराट भी उसके बाद हंस पड़े। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोहली अंपायर से जाकर भिड़ गए हों। इससे पहले भी कई बार विराट कोहली को मैदान पर अंपायर से उलझते हुए देखा गया है। गुजरात के खिलाफ विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी की है। उन्होंने 53 गेंद में 58 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 6 चौका और 1 छक्का भी निकला। ये आईपीएल 2022 में विराट की पहली 50 है। 14 पारियों के बाद विराट को दर्शकों के सामने बल्ला उठाने का मौका मिला। हालांकि उनकी पारी थोड़ी धीमी रही और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 109 का था। मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन का स्कोर खड़ा किया। गुजरात के सामने 171 रनों का टारगेट था, जिसे 19.3 ओवर में 4 विकेट गंवाकर टारगेट हासिल कर लिया गया। राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने एक बार फिर गुजरात की टीम में अहम भूमिका निभाई। तेवतिया ने मैच में 25 गेंद में 43 रन बनाए, तो वहीं मिलर के बल्ले से 24 गेंद में 39 रन निकले। इस जीत के साथ गुजरात की टीम लगभग प्लेऑफ में पहुंच गई है। वहीं आरसीबी को लगातार तीसरे मुकाबले में हार मिली है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।